क्योंकि षड्यंत्रकारियों द्वारा लगभग एक महीना इसमें मेहनत किया गया है षड्यंत्रकारियों द्वारा कि किस तरह से गरीबों का आवाज सदन में नहीं उठे, किस तरह से किसानों का आवाज सदन में नहीं उठे, किस तरह से अल्पसंख्यकों की आवाज सदन में नहीं उठे, किस तरह से बेरोजगारों की आवाज सदन में नहीं उठे। तो ये षड्यंत्रकारी लोग काफी दिनों से लगे हुए थे और सभी लोग जानते हैं कि ये जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है इस पर कल चर्चा होगा। हम व्यापक रूप से कल आप लोगों को बयान देंगे। कल जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी होना है, उसके बाद हम व्यापक रूप से आपके साथ इंटरव्यू करेंगे, सारी बातों को आपके सामने रखेंगे। अभी आप इतना ही जानिए कि जो यह प्रतिवेदन मिला है इसको षड्यंत्रकारियों को तैयार करने में महीनों लग गया, समझे ना। इस पर व्यापक रूप से हम इसका अध्ययन करेंगे और कल हम चर्चा करेंगे। ये सब बात का कोई तर्क नहीं है। इसलिए तर्क नहीं है कि जो व्यक्ति इतना बड़ा प्रतिशोधी है कि पगड़ी ही नहीं उतरवाया, उनको बेलमुंड तक करवा दिया, तो भाई उस व्यक्ति के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते।